शुक्रवार रात रतलाम शहर के इंडस्ट्री क्षेत्र में एक प्लास्टिक प्लांट में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, समीप एक और फैक्ट्री को भी अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलने पर फायर विभाग की दर्जनों गाड़ियां आग बुझाने में जुट गई। फायर विभाग से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार रात करीब 9 बजे रतलाम इंडस्ट्रियल एरिया टोसी गांव के समीप प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर विभाग की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने के लिए मौके पर पहुंची। आग इतनी भीषण थी कि फायर विभाग की गाड़ियों को कई फेरे करने पड़े। सूत्रों की माने तो रतलाम शहर सहित आसपास के नामली, इपका, जावरा, सेलाना सहित दर्जनों फायर लारी मौके पर पहुंच चुकी हैं। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं है, लेकिन आग भीषण होने की वजह से आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। फिलहाल आगजनी की इस घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। आग का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है।